श्रद्धा मर्डर केस ने बीते 13 नवंबर को दिल्ली को हिला कर रख दिया। पीड़िता की मौत की गुत्थी सुलझाने में जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं। लेकिन अभी भी श्रद्धा का कटा हुआ सिर कहां है? वो कौन सी असली वजह थी कि जिसके चलते उसने हत्या की? इन सारी वजहों पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। ऐसे में नार्को टेस्ट में ही अब श्रद्धा हत्याकांड का पूरा सच सामने आने की उम्मीद है। नार्को टेस्ट के लिए दिल्ली पुलिस को मंजूरी मिल गई है। आइए जानते हैं क्या है नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट क्या होता है? नार्को टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो कि आम भाषा में कहे तो अपराधी या आरोपी व्यक्ति से सच उगलवाने के लिए किया जाता है, और इस टेस्ट में ऐसा कहा जाता है कि इसमें सच उगलवाने की पूरी संभावना रहती है। नार्को टेस्ट में अपराधी को कुछ दवाइयां दी जाती हैं। इस दवाई को खाते ही इंसान का एक्टिव दिमाग पूरी तरह से सुस्त अवस्था में चला जाता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर किसी ने ज्यादा शराब अगर पी ली हो तो उसका दिमाग पर कंट्रोल नहीं होता है। ऐसे में कहा जाता है कि ये आदमी शराब पीकर झूठ नहीं बोलता। उसी तरह इस टेस्ट में भी आदमी पूरी तरह से अपने दिमाग को एक सुस्त अवस्था में ले जाता है, जिसके बाद व्यक्ति की लॉजिकल स्किल थोड़ी कम पड़ जाती है और वे जानबूझकर या फिर दिमाग लगाकर मनगढ़ंत बातें नहीं कह सकता है। नार्को टेस्ट में सोडियम पेंथोसल का इंजेक्शन लगाया जाता है। इस इंजेक्शन को ट्रूथ ड्रग नाम से भी जाना जाता है। कई मामलों में सोडियम पेंथोनोल का इंजेक्शन खून में यह दवा पहुंचते ही व्यक्ति सुस्त अवस्था में पहुंच जाता है। उस व्यक्ति से अर्थमूर्छित व्यवस्था में टीम अपने पैटर्न से सवाल करती है। अक्सर क्राइम के मामलों में अगर झूठी कहानी बनाई गई होती है तो स्थापित करने के लिए कई और झूठ बोलने पड़ते हैं, जिसमें व्यक्ति को ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन जब दिमाग शिथिल होता है तो उससे सच निकलवाना ज्यादा आसान होता है। इसलिए लोग अर्ध बेहोशी के दौरान बातों को घुमा फिरा कर नहीं कह पाते हैं। ऐसे में फोरेंसिक और मनोवैज्ञानिकों की टीम झूठ पकड़ लेती है। बता दें कि साल 2010 में केजी बालाकृष्णन की तीन जजों की खंडपीठ ने कहा था कि जिस व्यक्ति का नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट लिया जाना है उसकी सहमति बहुत जरूरी है, इसलिए सीबीआई या किसी अन्य एजेंसी को नार्को टेस्ट के लिए कोर्ट से अनुमति लेना जरूरी होता है।